इसे बंद कर। विक्की फोन है। हेलो। हाय, 3 बज रहे हैं, अब उठ जाओ। वैसे भी 1.5 घंटे से सो रहे हो, मैं सोने जा रही हूँ, 2 घंटे बाद जगा देना, ठीक? ओके, थैंक्स, बाय। बस, और कुछ नहीं कहोगे? और क्या? यही कि रात इतनी खूबसूरत है, आसमान में चांद निकला है। तो प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करो। और वैसे भी मैं लव इन द 19th सेंचुरी पढ़ रही हूँ, और 19th सेंचुरी के प्यार के सामने तुम्हारा 20th सेंचुरी का प्यार बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह लग रहा है। तब लोगों के दिलों में आग थी, लोग रात के 12 बजे मिला करते थे, और अब मैं जब प्यार की बातें कर रही हूँ तो तुम यौन कर रहे हो। आई जस्ट हेट यू। राहुल, आज कॉलेज बहुत जल्दी जा रहे हो? जी, आज कॉलेज में हॉकी मैच है। हॉकी मैच? आर यू प्लेइंग? जी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स डैड। एंड लिसन, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कल निकी का फोन आया था, तुम्हें पूछ रही थी, लेकिन तुम जिम गए हुए थे। क्या कह रही थी? कहा तो कुछ नहीं, शी वॉन्टेड टू टॉक टू यू। थैंक्स फॉर द मैसेज, मुझे देर हो रही है डैड। राहुल, राहुल, हाय राहुल। हेलो रिचा। हेलो अंकल, हाउ आर यू? वेरी फाइन। हाय रिचा, ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक्स। तुम्हें भी मालूम है इसका हॉकी का मैच है? हॉकी मैच नहीं, मैं तो सिर्फ एग्जाम के लिए विश करने आई हूँ। आज इन लोगों के एग्जाम का पहला दिन है ना। राहुल, तुमने मुझे बता नहीं कि तुम्हारा एग्जाम है? डैडी, से क्या फर्क पड़ता है? जिन्हें मालूम ही नहीं उनके बच्चे का फाइनल एग्जामिनेशन है, उनके लिए हॉकी मैच और एग्जामिनेशन एक ही बात है। गुड लक, ऑल द बेस्ट माय सन। राहुल, ये पेन सेट निकी ने तुम्हारे लिए भेजा है। मुझे मालूम था उसे याद रहेगा। अच्छा, और हमने जो याद रखा? फर्क है रिचा, तुमने बहुत कोशिश करके याद रखा होगा, और वो कोशिश करके भी भुला नहीं पाई। विक्की, हरी, आप 8 बज गए, यू बी लेट फॉर कॉलेज। ओके, मेरे कपड़े कहाँ हैं? यहाँ प्रेस करके पैनल पे रख दिए। कम ऑन हरी, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। कमिंग। विक्की, हरी, आप हाय रितु, कैसे हैं? ब्रेकफास्ट खाएगी? आप बना लेती हैं या मैं बनाऊं? तैयार है। हाय। हाय। एक स्लाइस देना प्लीज। क्या चाहिए? मक्खन क्या? जैम, जैम, जैम। ओके। विक्की, मैंगो शेक के बनाना शेक। खुश है। Oh, oh, Vicky, you can't go for the exam. कुछ खाए बिना पेपर बहुत बुरा होगा। बच्चा हूँ क्या? ये ले विक्की। Hey, thanks, sir. Happy cheating. No fighting, no fighting. Shut up, Eva. तुम विवाह की बाकी परवाह मत करो। अच्छा, सारे questions पढ़ लेना और attempt कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? Okay? Okay. I know you'll do well. Thanks. Okay, good luck. Nikki, thanks a lot for the pencil. तो बचपन से उन्होंने निकी बोला। चलो, बाय बाय, बाय।
रोटेशन सब्लिमेशन डिप्रेशन डिनाइल प्रोजेक्शन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. तो पहला दिन एग्जाम का है. अब तू जल्दी जा, देर नहीं हो रही तुझे. डिप्रेशन रोटेशन सब्लिमेशन गुड लक. मॉम मैं सब भूल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. According to Freud, there are six major defense, नहीं, eight major defense mechanisms. मामा मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. पहले मैं कह रही थी कि पढ़ ले तो बस मैं तुम्हारी दुश्मन हो जाती थी. अब छोटी को पढ़ाई की याद आई. तू भी कमाल है छोटी. चल तैयार हो जा, ये ले. मामा मामा मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ. अच्छा सुन, तूने अपने पेन सारे चेक कर लिए ना? हाँ सब कुछ है ना यहाँ. मामा रिचा दी कहाँ है? मामा आज मेरा पहला पेपर है और वो मुझे विश करने भी नहीं आई. अच्छा तू जस्ट थोड़ा रिलैक्स करना. ठहर ठहर मैं अभी आई. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर आर एट मेजर डिफेंस मैकेनिज्म्स सब्लिमेशन रोटेशन प्रोटेक्शन डिनाइल. ले ये पी ले और अब आराम से सोच. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर आर सिक्स नहीं एट. ओफो मामा मैं सब कंफ्यूज कर रही हूँ. आराम से सोचो ना, सब ठीक हो जाएगा. मामा मुझे कुछ नहीं आ रहा है. मामा मैं फेल हो जाऊंगी. कॉन्सेंट्रेट करना, सब ठीक हो जाएगा. ओ समीर, तुमने तो मुझे डरा दिया. किस बात से डर गई? जान जाने से? अरे हमें देखो, हम हंस हंस के किस पे जान दे रहे. आप यहाँ जान देने आए सुबह सुबह, वो भी हंसते हंसते. नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी जान लेने आए. समीर मैं जरा जल्दी में हूँ, आज मेरा एग्जाम है और वो भी पहला दिन. अरे इतनी जल्दबाजी मत करो जान, आज तुम्हारी किस्मत का सितारा जगमगा उठा है. आज जल्दबाजी करोगी तो पछताओगी. समीर लोग ये तो नहीं कह सकते कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है, लेकिन एग्जाम से पहले हंसी जरा रुक रुक के आती है. आई जस्ट हेट एग्जाम्स. तुम जो हेट करो मैं उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा ना, इसलिए आज तुम एग्जाम नहीं दे रही. समीर डोंट टॉक लाइक अ फूल. समीर कुछ भी है, कुत्ता है कमीना है, लेकिन फूल नहीं है. ना 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 स्वीटहार्ट, आज तुम्हारी शूटिंग, इसलिए तुम एग्जाम नहीं दे रही. व्हाट शूटिंग आज? नहीं ये कैसा हो सकता है? कैसे? कैमरा से दिखा दो. कैसा लगा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर? बहुत खराब. समीर तुम ऐसा नहीं कर सकते. कैसे? अरे रुको, सारी तैयारियां हो चुकी हैं. मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट मेकअप मैन बेस्ट हेयर ड्रेसर बुलवाया हुआ है. तो कॉस्ट्यूम्स आ रही थी, लोकेशन फिक्स हो चुकी है, डिलीवरी आ गई है. और तुम्हें मालूम है डायरेक्टर ने तुम्हें बहुत 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 पसंद किया है. ऋतु मैंने तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी. अब तुम्हें ऊपर चढ़ने से कोई नहीं है. यू आर द नंबर वन. मैं तुम्हें नंबर वन बनाऊंगा. लेकिन समीर मेरी बात तो सुनो, मेरे एग्जाम्स को क्या होगा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एग्जाम्स? व्हाट एग्जाम्स? तुम्हें बनना क्या है? मॉडल ना? तो फिर व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ऋतु अगर तुम्हें नहीं बनना है तो मैं किसी और को ले लूं. ऋतु इस तरह के मौके बार बार जिंदगी में नहीं आते. लेकिन मैं घर में क्या बताऊंगी? कुछ भी नहीं, तुम एग्जाम देने आई हो, एग्जाम देके घर वापस चली जाओ. बस जब रिजल्ट आएगा तब तक तुम कहीं और पहुंच चुकी होगी. फिर तुमसे कोई तुम्हारे रिजल्ट के बारे में नहीं पूछेगा. कमॉन कमॉन सोचो मत. वो गाड़ी वो शान शौकत वो सब तुम हासिल कर सकती हो. लेकिन समीर कम से कम मियां को तो बता दो. सुनो मैं तुम्हारा 10 मिनट इंतजार करूंगा. ओके हाय रितु, कितने दिनों बाद मिल रही है तू. ओ माय गॉड, विटामिन की कमी हो गई है तुझ में. तू बराबर डाइट नहीं करती, कितनी पेल लगे. हूँ तो रोज दूध बादाम पिस्ता ब्रेड बटर का नाश्ता करता हूँ, साथ में एक विटामिन की गोली, एक कैल्शियम और एक आयरन की गोली भी खाता हूँ. गॉड, मैं बेरा थोड़ा हूँ. हीटी प्लीज, तूने रिया को देखा है कहीं? नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है
कि ये ज्योग्राफी से पहले अंग्रेजी का पेपर रखा ही क्यों? क्योंकि पहले दुनिया बना, बाद में लैंग्वेज हुआ, है कि नहीं? तो सबसे पहले ज्योग्राफी का पेपर होना चाहिए ना। तुम्हारा क्या कहना रेटू? ओके ये रितु उधर से उधर क्यों दौड़ रही है? उसे लगता है दौड़ने का एग्जामिनेशन है। सम कंफ्यूजन। बाय द वे ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी। एक साल हो गया लेकिन तुम्हारा चांटा भुला नहीं पा रहा हूँ। डर लग रहा है। अच्छा सुनो, एग्जामिनेशन के बाद कॉफी पीने चलोगी ना? हाँ, एग्जामिनेशन अच्छा हुआ तो। ओह शेरी, यू आर टू सेक्सी। ओह आई एम वेरी सेक्सी। किस्मत की बात है। रीना तो कहीं नहीं मिली, मैं क्या करूं? मैं एग्जाम दूं कि आज फिल्म की शूटिंग के लिए जाऊं? रीना प्लीज, कहां है तू? सेकू, राजा, सेकू, हाथ खोल, हाथ खोल। क्या लड्डू है? ओफो, तुझे एग्जाम से पहले भी खाने की पड़ी है। प्रसाद है, प्रसाद तिरुपति का। अच्छा अच्छा, तेरे पति का? क्या, तेरे पति का? शिका, तेरी शादी हो गई? ओफो, तिरुपति, तिरुपति मंदिर। तिरुपति का? यार, कुछ काम याद आ गया। मैं अभी आता हूँ। प्लीज, बहुत जरूरी काम याद आ गया। चला मुरारी रोमियो बन गया। नॉट डिस्कसिंग, नॉट स्ट्रेट बट एट ए टेंजेंट। राजा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे भी यार। तुझे क्या लगता है, क्या संजू बाबा रिहा हो जाएगा? संजू बाबा? हाँ, संजय दत्त। पुअर थिंग। शिका तो पागल तो नहीं हुई है? तुझे एग्जाम्स के पहले भी संजय की टेंशन लगी हुई है? कांट बिलीव इट शिका। मेरे लिए एग्जाम्स देना या ना देना एक ही बराबर है राजा। क्यों? फेल हो जाऊंगी तो भी मेरे घर वाले शादी करवा देंगे, पास होगी तो भी शादी करवा देंगे। शादी? हाँ। मतलब तेरी शादी हो जाएगी? और शादी के लिए ग्रेजुएट लड़की चाहिए ना, इसलिए मुझे पढ़ा रहे हैं। आई हेट देम। शिखा, तुझे एक्साइटमेंट नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शादी नहीं करनी। वैसे भी राहुल तुझसे शादी करने वाला तो है नहीं। शट अप। अरे शिखा, क्या हुआ? आखिर एक बात बता राजा, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं मानव पर क्या गुजर रही होगी रिया। भेकू, उसका कोई टेलीफोन नंबर तो होगा, कोई तो पता होगा उसका। नहीं रिया, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मानव एग्जाम नहीं देगा। भेकू, उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा, इस तरह तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं रिया, बस जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। भेकू, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मानव की जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई। आई फील सो गिल्टी अबाउट इट। मानव जाने से पहले बस एक बार मुझसे मिलकर जाता। समीर, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं रितु। रिया, रेडी फॉर द एग्जाम्स बॉयज? मेरी शुभेच्छाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। डू वेल एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा, आज मानव का लेटर आया था, ही इज नॉट सिटिंग फॉर द एग्जाम्स। ये बहुत ही सैड न्यूज है। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट और पता नहीं क्या वजह है। तुम लोगों को कुछ पता है?
किस्मत की बात है सर। क्या वो सीख तो नहीं है? कमाल है, तुम लोग उसके इतने क्लोज फ्रेंड्स हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो एग्जाम्स क्यों नहीं दे रहा। अच्छा जाओ, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू विद ऑल दिस राइट नाउ। याद रखना, दिस कॉलेज हैज हाई होप्स फॉर यू। तुम लोगों से इस कॉलेज की इज्जत है। यस सर। और कोई चीटिंग नहीं करेगा। ओ नो सर। राजा इधर आओ। ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है ना? हाँ पापा। और अपनी पेन चेक कर लो, ठीक से लिख रही है ना? यस डैड। ये इस कॉलेज में तेरा आखिरी एग्जामिनेशन है। यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा हो गया है। शॉर्टली यू विल बी अ ग्रेजुएट। पापा मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, जस्ट डोंट बी वरीड। कभी कभी वरीड होना अच्छा लगता है बेटे। लगता है कि कोई है जो आपका अपना है। कॉलेज से निकलने के बाद तेरी जिंदगी बहुत तेरी अपनी हो जाएगी। तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या हो गया पापा? कुछ नहीं बेटे, बस धीरे धीरे अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट राजा। पर जब भी जिंदगी में कोई जरूरत पड़े तो आई एम देयर बेटे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। गुड मॉर्निंग। याद रखना, नेक्स्ट ईयर यू वांट साइकोलॉजी मेजर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रिया, क्या मैं राहुल के घर फोन करके पूछूं? नहीं, कोई बात नहीं। हेलो। Oh God, you fell like a star from the sky. In a moment, the golden glow of your face changed from high to low. Question paper देखने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोश नहीं हुई। Question paper इतना simple था कि खुशी के मारे गिर ही पड़ी। तुम्हारे दिमाग में क्या answer bank है? क्या करूँ? पैसों के बैंक पे तो आपने कब्जा कर रखा है। ये राहुल, excuse me, ये राहुल, ये लड़की गिरी क्यों? तुझे देखकर। सच? हाँ। एक मिनट में आता हूँ। Hi, I'm E.T. I'm Shraddha. Oh, Shraddha, तुम अब कभी नहीं गिरोगी। मैं हूँ ना। I'll be there to hold you. Will you be my friend? ईटी, मैंने पढ़ा है कि सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहने से इंटेलिजेंस बढ़ती है। सच? हाँ। राहुल तो सच कह रहा है। हाँ। लेकिन सूरज कहाँ है? वहाँ। ईटी, तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने एग्जामिनेशन टाइम पे हंसते हुए देखा है। क्या तुम नर्वस नहीं हो? मैं नर्वसनेस में हंसती हूँ। मैं राहुल। मेरा नाम क्या होना चाहिए? बिजली। जिस पे गिरी वो जान से गया।